Good afternoon, guys. Hello, everyone. Very good afternoon to all of you. Very good afternoon, guys. Please join the session. We are going to start our session for today. So please join the session. So let's begin the session. So my name is Ankush Vasist and I am 5 times GATE qualified and 4 plus years of experience in the GATE as well as the engineering subject competitive engineering examination domain. And mostly I am taking the design subject like strength of material, theory of machine, machine design, mechanics, metal cutting. These are the subject taken by me. My promo code is ANKUSHV, that is ANKUSHV. If you apply this promo code, you will get the 10% off on the Unacademy Plus subscription. And not only the 10% off, you will also get the chance to personally reach to me directly for any kind of help that will help in your preparation. You can reach to me directly. Like you want notes, like you have any query, like you want any clarification regarding the exam, in the preparation, and anything that will help in your preparation, you can reach to me directly for that. So please join the session, guys. So okay, आज हमारा session है. We are going to start the numerical based on breaks. Numerically based on breaks. आज हम करने वाले हैं numerical based on breaks. अभी तक हमने ब्रेक को कंप्लीट किया, उसकी थ्योरी कंप्लीट की, उसके जो आपके डेरिवेशंस थे वो कंप्लीट किए, जो कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीज़ें कंप्लीट की. अब उसके बाद में अल्टीमेटली आपको वो अप्लाई करना है. अगर आपको वो अप्लाई करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली तो आपको वहाँ पे जाके न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं. ब्रेक के दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरी के, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट इन द गेट एग्जामिनेशन आर न्यूमेरिकल्स. With respect to the break, I'm talking about the break. I'm not talking about any other subjects, any other topic. Now, if I'm talking about the break, then mostly you, most of the students, यहाँ पे ये वाली बात बहुत clear है. आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे 110% आपको 99% ये वाली बात है कि आपको numerical ही मिलेगा. And 100% 110% ये वाली बात sure है कि most of the numericals या most of the question you will get From the machine design, from the break topic, you will get the numericals in the GATE examination. So we are going to start the numerical based on the breaks. So चलिए start करते हैं हम. चलिए question number first पे आते हैं. Question number first देखते हैं हम लोग. Question number first क्या कह रहा है कि a wire is designed as 6x19 standard hoisting. The number 6x19 represents. देखो ये एक तरीके से आपका क्या है, आपका नॉमनक्लेचर डेजिग्नेशन दे रखा है. जो वायर है जो वायर रोप वाला हमारा आता है उसमें हमने उसने ये डेजिग्नेशन डिफाइन किया हुआ है. तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर करनी है तो आपको इन चीज़ों से वेल अवेयर होना चाहिए. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जब पूछ लिए जाते हैं तो आपको आने चाहिए. आप इनको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको 1 मार्क्स दे के जाएगा विदाउट एनी एरर. क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको एरर करने की पॉसिबिलिटी नहीं है. आपको डायरेक्टली जाना है और आंसर करना है. इतना कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में. तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि अ वायर रोप इज डिजाइंड एज 6x19 स्टैंडर्ड होस्टिंग. द नंबर 6x19 रिप्रेजेंट्स. तो यहाँ पे बड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जब भी वायर और रोप की बात हो और इस तरीके से
कभी भी कोई दो नंबर दिए हों, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो जो ए है आपका, ए जो है आपका वो आपका शो करता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ए जो आपका शो करता है वो करता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, एंड जो बी आपका शो करता है वो करता है नंबर ऑफ बायर इन ईच स्ट्रैंड्स। जो आपका ए है वो शो करता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स और बी जो है वो आपका शो करता है नंबर ऑफ वायर इन ईच स्ट्रैंड्स। तो यहां से ये वाली बात, यहां ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 6 को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 19 को। तो इसका मतलब 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, द नंबर ऑफ, जो 19 दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वायर इन ईच स्ट्रैंड्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने एक बार भी ये डेजिग्नेशन ठीक से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को करने लायक हो जाएंगे, आप इस क्वेश्चन को करने लायक हो जाएंगे अगर आपने ठीक से एक बार भी इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन अ बैंड ब्रेक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन अ बैंड ब्रेक, कौन सी ब्रेक की बात कर रहा है ये, बैंड ब्रेक की बात कर रहा है। हमने कौन सी दो टाइप की ब्रेक पढ़ी हुई है, एक हमने बैंड ब्रेक पढ़ा हुआ है और एक हमने शू ब्रेक पढ़ा हुआ है, जिसे ब्लॉक ब्रेक भी कहते हैं, जिसे ब्लॉक ब्रेक भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि इन द बैंड ब्रेक द रेशियो ऑफ टाइट साइड बैंड टेंशन, द रेशियो ऑफ टाइट साइड बैंड टेंशन टू द टेंशन ऑन द स्लैक साइड इज 3। मतलब जो टाइट साइड में है और जो आपका स्लैक साइड में है, उनका जो टेंशन दे रखा है, उनका जो रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 3। लेट्स से T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 3, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 3, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है कि टेंशन इन द टाइट स्लैक टाइट साइड और टेंशन इन द स्लैक साइड, मतलब जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है जो टाइट वाला होगा, जब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो टाइट वाला होता है, और नीचे डायरेक्शन में आपका स्लैक में होगा, स्लैक में होगा, तो उन दोनों में जो टेंशन है उनकी बात की गई है कि ऊपर वाले जो टाइट साइड वाला स्लैक है, टाइट साइड वाला जो साइड है उसमें आपका T1 है, और नीचे जो स्लैक साइड है उसको T2 माना हुआ है, और इसको बोला गया है आपका 3, इसके इसको बोला गया है 3, आपका जो रेशियो है T1 बाई T2 को उसको 3 रिप्रेजेंट किया गया। इफ द एंगल ऑफ द ओवरलैप ऑफ बैंड ऑन अ ड्रम इज 180 डिग्री, कह रहा है कि भैया जो आपका बैंड है जो ओवरलैप कर रहा है वो कितने डिग्री पे कर रहा है, 180 डिग्री पे कर रहा है आपका ओवरलैप। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द ड्रम एंड द बैंड इज, मतलब थीटा आपको दिया हुआ है 180 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे म्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फटाफट, मान के चलो कि ये आपका एक डिफरेंशियल बैंड ब्रेक बनी है, आपकी सिंपल बैंड ब्रेक मान लो या डिफरेंशियल बैंड ब्रेक मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, ठीक है। ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, और ये जो रोप है कुछ इस तरीके से जा रही है, ये जो बैंड है आपका ये इस तरीके से जा रहा है, ये जो आपका बैंड जो जा रहा है ये इस तरीके से जा रहा है, ये बैंड आपका इस तरीके से जा रहा है, ये आपका बैंड है जो वो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है आपका बैंड, ठीक है। अब ये बैंड जो जा रहा है तो इसका इन्होंने पहले से बता रखा है कि जो बैंड आपका गया है वो जो आपको रैपिंग एंगल दे रहा है, जिस पे कवर एंगल कहते हैं जिसको, या रैप एंगल कहते हैं, वो आपको उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है 180 डिग्री, ये आपको दे रखा है 180 डिग्री, जो रैप एंगल आपको दे रखा है
वो दे रखा है आपका 180 डिग्री। जो रैप एंगल आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 180 डिग्री। इतना एंगल उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है पहले से, ठीक है। और जो टाइट साइड है, जो टाइट साइड है उसमें जो टेंशन दिया गया है वो दिया गया है T1, और जो आपका स्लैक साइड है उसमें जो टेंशन दिया गया है T2, उसमें जो टेंशन दिया गया है वो दिया गया है T2, ठीक है। और आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे पास में डायरेक्टली इसके लिए एक फॉर्मूला है, T1/T2 इज इक्वल टू E^μ θ। T1/T2 इक्वल टू E^μ θ। और जो थीटा यहाँ पे लगाते हैं, 180 मत लगा देना, यहाँ पे आपको रेडियन में लगाना होता है, आपको यहाँ पे रेडियन में लगाना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्वर्ट थीटा इनटू रेडियन। तो आपको पता है कि ये आपको 180 डिग्री में कितना होता है, पाई होता है। तो 1 डिग्री में कितना हुआ आपका, पाई बाई 180 हुआ, पाई बाई 180 हुआ। तो 180 डिग्री में कितना होगा आपका, पाई बाई 180 × 180, और इससे ये कैंसिल, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू हुआ आपका पाई। अब कोई मुझे कहे कि सर आपने ये क्यों करके दिखाया, आपने तो पहले में क्या रखा था कि पाई है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए ये वाली चीज़ की गई है, उनके लिए ये वाली चीज़ की गई है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे 180 की जगह पे 90 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, 70 डिग्री होता, 80 डिग्री होता, तो फिर वो कैसे कर पाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया हुआ है। वरना 180 डिग्री का तो पाई होता है डायरेक्टली, हमें पता ही है, डायरेक्टली हमें पता ही है। दिस इज द इक्वेशन 1, पुट ऑल द वैल्यूज हियर, पुट ऑल द वैल्यूज हियर। तो T1/T2 इक्वल टू E^μ/πi आ गया, और T1/T2 का रेशियो आपको दे रखा था कितना, 3 इक्वल टू E^μ/πi, ये आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू आपको आ गई। और अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो एक्सपोनेंशियल हटा दो, लॉग ले लो, तो ln 3 इक्वल टू आपका आएगा μ π, ये आ जाएगा आपके पास μ π आ जाएगा। और यहाँ से अगर म्यू की वैल्यू लगानी है डायरेक्टली, तो ln 3 log बेस e की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई पाई, म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और यहाँ से आपकी वैल्यू, जो म्यू की वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू 0.345, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, आपकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी म्यू की 0.345, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू की वैल्यू 0.345, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 0.35। मतलब आपका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो पूछा गया था वो आपने निकाल लिया है, और वो आया है आपका म्यू इक्वल टू 0.35। फटाफट क्वेश्चन में देखो, और क्वेश्चन में देखा गया है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन करिए, और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप तुरंत इस फॉर्मूले के अप्लाई कर देंगे और आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस कोर्सेज एंड आइकॉनिक कोर्सेज। Unacademy has the two kind of courses, the plus course, you all know that, the what kind of the plus course we have, इसमें आपको live classes मिलेंगे, crash courses मिलेंगे, weekly test मिलेंगे, doubt solving sessions मिलेंगे, और कोई भी English और Hindi दोनों languages में आपको मिलेगा, कोई भी language का barrier नहीं होगा। But अगर आप advanced के लिए इसका advanced level लेते हैं, जिसे हम iconic कहते हैं, उसमें आपका क्या होता है, उसमें हम आपको एक personalized experience देते हैं, उसमें हम आपको एक personalized experience देते हैं, जहाँ पे हम आपकी individual grooming करेंगे, जहाँ पे हम आपकी individual grooming करेंगे। इंडिविजुअल ग्रूमिंग का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल ग्रूमिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम आपको एक डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर असाइन करेंगे जो सिर्फ आपके डाउट क्लियर करेगा, आपको एक पर्सनल कोच देंगे जो आपको स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर करेगा, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस में स्ट्रांग हैं, कैसे हैं, उसमें आपको देगा। तो ये आपको एक इंडिविजुअल हेल्प करेगा, जिसके लिए आपको बहुत ही कम प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ गाइज गो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सेक्शन। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप अगर इन कोर्सेज की अमाउंट देखते हैं, अगर पर मंथ आप जैसे 24 मंथ्स के लिए जाते हैं, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट की, तो आप देखिए 24 मंथ्स का जो पैकेज है, 24 मंथ्स का पैकेज है, उसको आपके लिए मंथली के लिए 1770 रुपीज़ पे करने से, इतना आप इंडिविजुअली फीस पे करते थे जब आप अपने 12th क्लास में या 10th क्लास में थे, तो एक एक सब्जेक्ट के लिए आप इतना फीस पे करते थे। यहाँ पे आपको गेट और ESE जैसे एग्ज़ाम, जो नंबर 1 के एग्ज़ाम है, उनकी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं।
तो प्लीज गाइज जल्दी से जल्दी जाइए अनअकैडमी के। अगर आप यहीं पे देखते हैं आइकॉनिक के लिए, जहाँ पे हम इंडिविजुअली आपको फोकस कर रहे हैं, आजकल अगर आप कोई भी होम ट्यूटर लगाते हैं अपने घर पे और वो ट्यूशन पढ़ाने आता है, तो वो भी आपसे 5,000 रुपीज़ के आसपास डिमांड करता है एक बच्चे के लिए, और यहाँ पे आपको 2,775 रुपीज़ में आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल, मतलब 24 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन जाएंगे, तो आपको 1 मंथ में सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा। प्लस जिन लोगों को जो आपकी जिनका प्रॉब्लम है, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई इज आल्सो अवेलेबल, मतलब आप 6 मंथ तक इसी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और आपके लिए 18 मंथ्स, जो आपकी थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उनके लिए 18 मंथ्स आपके लिए बेस्ट पैकेज है, 18 मंथ्स आपके लिए बेस्ट पैकेज है। बट अगर आप फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं और आप अभी अभी या फोर्थ ईयर में है और आपके ऊपर जॉब का बहुत प्रेशर है, तो 12 मंथ्स इज फॉर यू गाइज, 12 मंथ्स इज फॉर यू गाइज, 12 मंथ्स इज फॉर यू गाइज। आप 12 मंथ्स में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको 1 ईयर का सफिशियंट टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, और आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसके बाद आप तुरंत अपनी जॉब लगा सकते हैं किसी भी पीएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सेक्टर में, या बहुत सारे जितने भी इंजीनियरिंग सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट जॉब आपकी वहाँ लग जाएगी। और जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी अच्छे अटेम्प्ट लेके आ सके, उन लोगों के लिए 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स आर मोर देन सफिशियंट, बिकॉज दे हैव द बेसिक नॉलेज, दे हैव द बेसिक नॉलेज। सो प्लीज गाइज गो एंड सब्सक्राइब द अनअकैडमी प्लस एज वेल फॉर आइकॉनिक कोर्सेज, and please apply this promo code so you'll get the 10% off on the Unacademy Plus as well as for Iconic subscription. This is the new combo offer. This is the new combo offer. Offer alert. This offer is valid only for 28th of July. यहाँ पे आपको हम 3 months का off campus placement subscription देंगे free. जो लोग बच्चे 12 month, 18 month, 24 month के लिए GATE और EAC के subscription के लिए जाते हैं, जिसमें आपको verbal ability, reasoning ability, numerical ability, coding skills, programming logic, ये सारी चीजें हम cover कराएंगे, ये सारी चीजें हम कवर कराएंगे, जिसके लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको जॉब की बहुत जरूरत है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है ये। तो प्लीज गाइज जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 28th of July। सो प्लीज गाइज डू एज सून एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब द अनअकैडमी प्लस एज वेल फॉर द आइकॉनिक कोर्सेज, एंड प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द Unacademy Combat Examination. Please do participate in the Unacademy Combat Examination. If you participate in the Unacademy Combat Examination and if you are securing your good rank in between 1 to 3, तो आपको 100% complimentary 1 year का subscription मिलेगा। अगर आप 4 to 10 लेके आते हैं तो कुछ 75% का complimentary subscription मिलेगा, 75% off मिलेगा। तो please guys जल्दी से जल्दी जाइए और participate कीजिए Unacademy Combat Examination में। हर संडे को एग्जाम होता है, जल्दी से जल्दी जाइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपने आप को एनरोल कराइए, एंड प्लीज यूज माय प्रोमो कोड टू एनरोल योरसेल्फ ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दिस इज द न्यू मैकेनिकल टीम फॉर लीड गेट MEXCPI चैनल, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द अनअकैडमी लीड गेट MEXCPI चैनल, एंड दिस टीम विल गिव यू द फुल गेट 2.0 सिलेबस, जिसमें आपको गेट का पूरा सिलेबस मिलेगा स्ट्रक्चर्ड। सो जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सारे एजुकेटर के वीडियोज देखिए और अपने आप को ग्रूम करिए। सेम आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी लास्ट डेट भी 28th of July है। 2 बैच स्टार्ट होने वाले हैं, एक बैच बी, एक बैच जी। बैच बी आरोहण एक्सेलरेट बैच है आपका, जिसमें गेट और ईएससी 2022 के लिए प्रिपरेशन है, एंड आरोहण है जिसमें गेट टू एंड ईएससी 2023 के लिए प्रमोशन है। सो जल्दी से जल्दी जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए यहाँ पे। These all are the YouTube channels by the Unacademy. These are the top YouTube channels. So please go and subscribe them and watch them and please share with your friends. Okay, so now we are coming to our topic. Question number 3. Now we are coming to our topic. Get back to our topic. Coming to our topic. We are going to start. A band brake consists of a lever attached to one end of the band. देखो, ये आपको जो दिख रहा है, इसकी रेडियस आपको यहाँ पे 200 मिलीमीटर है, ठीक है? ये मिसप्रिंट हो गया। अ बैंड ब्रेक कंसिस्ट ऑफ अ लीवर अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द बैंड, द अदर एंड ऑफ द फिक्स्ड टू द ग्राउंड, द व्हील हैज अ रेडियस ऑफ 200 मिलीमीटर। व्हील की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कि भैया 200 मिलीमीटर इसकी रेडियस है, एंड द रैप एंगल ऑफ द बैंड इज 270 डिग्री। ये जो एंगल है आपका यहाँ से, ये आपका एंगल है 270 डिग्री जो गिवन है, 270 डिग्री। द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड टू द लीवर इज लिमिटेड टू 100 न्यूटन। ये आपको जो ब्रेकिंग फोर्स दे रखा है, ये आपका
100 न्यूटन दे रखा है जो यहाँ पे आपके फ्री एंड पे लग रहा है, आपके फ्री एंड पे लग रहा है, एंड द कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बैंड एंड द व्हील इज 0.5, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी जनरेटेड इन द बैंड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एज। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना टेंशन जनरेट होगा, मैक्सिमम कितना टेंशन इसमें जनरेट होगा, मैक्सिमम इसमें कितना टेंशन जनरेट होगा। तो देखो फटाफट, यहाँ पे आपका रैपिंग एंगल गिवन है थीटा, जो आपको गिवन है 270 डिग्री, आपको गिवन है आर जो गिवन है आपको 200 मिलीमीटर, आपको गिवन है यहाँ पे पी लोड जो कि गिवन है 100 न्यूटन, और आपको गिवन है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि गिवन है 0.5, और आपसे पूछा गया है मैक्सिमम टेंशन, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम टेंशन। लेट से इसको मान लेते हैं हम T1 अज्यूम कर लेते हैं, लेट से इसको हम मान लेते हैं T1 अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो आपका होगा T1, लेट से वी अज्यूम इट मैक्सिमम टेंशन इज T1, मैक्सिमम टेंशन इज T1, वी अज्यूम इट, हमने अज्यूम कर लिया कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो T1 होगा, वो T1 होगा, ठीक है। अब फटाफट देखो, एक टेंशन तो इसमें लग रहा होगा, एक टेंशन इसमें लग रहा होगा, और एक टेंशन होगा आपका इसमें, एक टेंशन होगा आपका इसमें, ये वाली बात आपको क्लियर हो रही है, ये वाली बात आपको क्लियर हो रही है। अब आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जब ये नीचे की तरफ लोड जा रहा है, जब ये नीचे की तरफ लोड जा रहा है, जब ये नीचे की तरफ लोड जा रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एक लोड लग रहा होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक लोड लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वही इसमें टेंशन क्रिएट करेगा, वही इसमें टेंशन क्रिएट करेगा, और इससे पास होके जो फिक्स्ड वाली रोप है, फिक्स्ड वाली रोप है उसमें दूसरा टेंशन होगा। बट ये वाली बात आपको यहाँ पे अपने आप क्लियर हो जानी चाहिए कि जब ये आपका मान के चलिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तभी तो आप इस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो ना, अदरवाइज आप इस डायरेक्शन में क्यों लगाओगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तभी तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो। तो इसका मतलब ये अगर मैं मानूं T2 है और ये होगा T1, क्योंकि मैक्सिमम तो यही आएगा, मैक्सिमम तो इसी साइड आएगा, मैक्सिमम तो इसी साइड आएगा। अब ये T1 पता चल गया तो बस कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ से ये लगाया मैंने यहाँ पे, एक कैंटिलीवर बीम की तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, ये आपका लोड लग रहा है नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन, और एक लोड लग रहा है आपका यहाँ हाफ डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू है आपकी T1, जिसकी वैल्यू है आपकी T1। डिस्टेंस आप देख लीजिए, डिस्टेंस आपका लग रहा है यहाँ से 1 मीटर, डिस्टेंस जो आपका लग रहा है यहाँ से वो लग रहा है 1 मीटर, और 1 मीटर ही लग रहा है आपका यहाँ से, 1 मीटर ही लग रहा है आपका यहाँ से, डिस्टेंस आप देख लीजिए आपका लग रहा है 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ से लग रहा है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यहाँ से आपके लिए कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आप ये वाला तो आपको बिल्कुल समझ में ही आ रहा है, ठीक है, और वो T2 लग रहा होगा ये वाली बात आपको पता है, वो T2 लग रहा होगा ये वाली बात आपको पता है, ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आपको पता है, आपको पता है यहाँ से कि इसमें क्या लग रहा होगा, आपका रैपिंग एंगल आपको पता है, तो आपका लग रहा होगा यहाँ से T1/T2 इज इक्वल टू e^(μθ)μθ, और आपको म्यू भी पता है थीटा भी पता है, तो मतलब आपको पता चल गया T1/T2 इज इक्वल टू e^(μ)। म्यू की वैल्यू आपको गिवेन है, म्यू की वैल्यू आपको गिवेन है 0.5, और थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करो, थीटा को कन्वर्ट करो आप कितने किसमें, रेडियन में, तो देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 हो गया, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो फॉर 270 तो आपका आ जाएगा पाई बाई 180 × 270, ठीक है, 9 × 2 = 80, 9 × 3 = 70, 3 times कट जाएगा, तो आपके लिए जो वैल्यू आ जाएगी 270 डिग्री इज इक्वल टू 3π/2, ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। और म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, वैल्यू क्या कर दो यहाँ पे पुट कर दो 0.5 × 3π/2, ये आ जाएगा,
अगर इसको आप सॉल्व करके लिखो तो आप लिख सकते हो T1 बाई T2 इज इक्वल टू e की पावर 3π/4। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ से सिंपल बात है, इसमें कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि आपके पास में क्या वैल्यू आ गई? ये चीज़ क्लियर हुई? ये वाली वैल्यू आपके पास पता चल गई, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम टेंशन पता है, ये है T1, और आपको पता है ये वाला टेंशन, लेट से इसको T मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है तो हम T मान लेते हैं, क्योंकि उसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी नहीं दे रखा है, इसीलिए हम इसको T मान लेते हैं। लेट से T अज्यूम। अब हम क्या करते हैं इसको T मान के इसका क्या करते हैं, हम मोमेंट इक्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे। हम डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, मोमेंटम इक्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। मतलब आप मोमेंट ले लीजिए इस हिंज पॉइंट के अबाउट, लेट से इसको O मान लेते हैं, तो मोमेंट अबाउट O ले लो। तो देखो आपको पता चलेगा कि क्लॉकवाइज देखो 100 × T − T × 1, तो यहाँ से आपका मोमेंट अबाउट जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो 0 × 2 × 100 − T ये आ जाएगा आपके पास। तो T इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 200। ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई कि टेंशन जो आपके पास में आ गया है वो आ चुका है आपके पास में 200 आ गया आपके पास। ये वाली बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपके पास में गिवन है, यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर दो, तो आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे, इसमें जब पुट करोगे आप, तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, वो निकल के आएगी 2110 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम जो टेंशन आएगा इसमें वो आपका आएगा 2110 न्यूटन। T1 जो आपका आएगा वो आएगा 2110 न्यूटन। जैसे ही आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे यहाँ से, तो T1 की जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 2110 न्यूटन। क्वेश्चन में देखते हैं आंसर दिया हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन दिया हुआ है बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्योंकि अगर टेंशन हम जो निकाल रहे हैं 200 न्यूटन, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं था इसमें, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका T2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं दे रखा कहीं पे भी कि कौन से एंगल से कौन से डायरेक्शन में वो घूम रहा है भी। ना तो उसने ये बताया कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ना उसने ये बताया कि वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और जब तक आपको ये वाली बात क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो हमने जब T यहाँ से देखा कि आपका 200 आ रहा है, तो मैंने अपने आप इसको T2 मान लिया फिर, क्योंकि ऑप्शन में तो गिवन ही नहीं है, तो फिर आप T2 को T1 के साथ ऐसे कंपेयर करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2110 न्यूटन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग, द सेम क्वेश्चन है, उसी में एक क्वेश्चन का एक्सटेंशन किया हुआ है, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू तो वही है। देखो अभी हमने निकाल लिया T1 इक्वल टू निकल के आया है मेरा 2110 न्यूटन, T2 जो मेरा निकल के आया है वो निकल के आया है 200 न्यूटन, म्यू आपको पता है कितना है 0.5, थीटा आपको पता है वो है आपका 270 डिग्री, या फिर इसको आप कहेंगे 3π/2, ये कहेंगे आप इसको 3π/2, और दूसरा आपके पास है थीटा पता है, आपके पास में पी लोड और पता है जो आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आर गिवन है आपको 200 मिलीमीटर, ये वैल्यू पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी कम्प्लीटली ब्रेकड इन, मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा है, टेंशन की बात नहीं कर रहा है, मैक्सिमम
टॉर्क की बात कर रहा है अब इस बार, टेंशन की बात नहीं कर रहा है। आप टॉर्क समझिए इसे, टेंशन मत समझ लीजिएगा। अगर आपने इसे टेंशन समझ लिया फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैक्सिमम टेंशन तो हम निकाल चुके हैं, मैक्सिमम टेंशन तो हम निकाल चुके हैं। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द टॉर्क, ही इज आस्किंग अबाउट द टॉर्क। आपसे क्या पूछा जा रहा है? टॉर्क पूछा जा रहा है। तो फटाफट देखो, मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है। और मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है आपका? मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है आपका? T1 माइनस T2 इंटू आर। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इन दोनों का जो होगा आपका समीशन होगा और जो मोमेंट लगा रहा होगा वही होगा T1 माइनस T2 इंटू आर। और कैसे निकालते हैं देखो, जरा समझ लो। जैसे मान के चलो कि ये आपका एक व्हील है, ये मान के चलो आपका व्हील है, एक टेंशन लग रहा है ये T1 और एक टेंशन लग रहा है आपका T2, एक लग रहा है टेंशन T1 और एक लग रहा है टेंशन T2। तो हम क्या करते हैं, ये आपका एसेंट्रिक लग रहा है, आपका एसेंट्रिक लग रहा है, तो हम क्या करते हैं इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे इसी लोड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि एक मानो आप यहाँ पे T1 और एक मानो यहाँ पे T1, मतलब ये T1 मैंने अगर यहाँ रिप्लेस कर दिया इसके बराबर यहाँ पे लगा दिया, तो मतलब बीच में लोड कितना लग रहा होगा? T1। लोड कितना हो जाएगा? लोड कितना हो जाएगा? T1। लोड कितना होगा? T1। और एक लग रहा होगा इस पर क्लॉक वाइज में T1 इंटू आर का मूवमेंट, T1 इंटू आर का मूवमेंट। अब T2 का देख लो, तो T2 तो आपका ये हो गया, और T2 आपका ये हो गया, T2 आपका ये हो गया, और T2 आपका ये हो गया, ठीक है। तो देखो जरा इसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब आपके पास में एंटी क्लॉक वाइज में क्या लग रहा है? T2 इंटू आर, और ये लग रहा है आपका एंटी क्लॉक वाइज में, और ये लग रहा है आपका क्लॉक वाइज में। और लोड हो जाएगा आपका T1 प्लस T2, मतलब लोड तो आपके पास में लग रहा है T1 और T2, और आपके पास में कपल लग रहा है, एक लग रहा है T1 इंटू आर क्लॉक वाइज में, एक लग रहा है T2 मल्टीप्लाई आर एंटी क्लॉक वाइज। और आपको बताया कि T1 की वैल्यू ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए जो कपल लगेगा आपका वो लगेगा T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। और आपको पता है T1 की वैल्यू ज़्यादा थी, R की वैल्यू सेम है, इसीलिए ये लगेगा आपका T1 माइनस T2 इंटू आर, और जिसकी डायरेक्शन होगी क्लॉक वाइज, क्योंकि जो ज़्यादा घुमा रहा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो अपनी तरफ घुमा ले जाएगा। इफेक्टिव तो इतना ही लगेगा। तो यहीं से जब भी आपसे कभी भी आपसे पूछ लें, जब टेंशन दिया हो कि उनके टर्म्स में आपके टॉर्क कितना लगेगा, तो इतना लगेगा T1 माइनस T2 इंटू आर, इतना लगेगा। ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए फिंगर्स पे, अगर आपको ये वाली वैल्यूज आती हैं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सारी वैल्यूज को क्या करो, यहाँ पे कर दो पुट, T1 की वैल्यू अभी आपने लगाई है, कितनी लगाई है? 2110, जो मैक्सिमम टॉर्क था आपका। T2 की वैल्यू अभी आपने पता करी थी, कितनी करी है? 200 न्यूटन। R की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 200 मिलीमीटर थी, तो आपकी वैल्यू हो गई 0.2, ये आ जाएगा आपके पास। अब 2110 में से 200 को आप क्या कर दो, 200 का कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास 1910 ये वैल्यू आ जाएगी, 1910 इज मल्टीप्लाइड विद 0.2, तो मतलब आपके पास में बचेगा 191, जीरो हटा दो क्योंकि यहाँ पॉइंट में है, तो 191 इंटू 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 382 न्यूटन इंटू मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 382 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, क्वेश्चन नंबर 5।
और यहाँ पे कह रहा है कि आप ब्लॉक ब्रेक, मतलब ये शू ब्रेक की बात कर रहा है, शू ब्रेक और ब्लॉक ब्रेक एक ही होती थी। अब ब्लॉक ब्रेक शोन बिलो हैज अ फेस वेट ऑफ 300 मिलीमीटर, जो फेस वेट है उसकी वो है आपकी 300 मिलीमीटर एंड अ मीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो म्यू की वैल्यू है वो है आपकी 0.25। फॉर एन एक्टिवेटिंग फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, जो अप्लाइड फोर्स है आपका पी एफर्ट है उसकी वैल्यू है 400 न्यूटन। द ब्रेकिंग टॉर्क इन न्यूटन इनटू मीटर है, बता दीजिए कितना है, मतलब आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ टी कि ब्रेकिंग टॉर्क कितना लगेगा उसकी वैल्यू आप बता दीजिए, ब्रेकिंग टॉर्क कितना लगेगा उसकी वैल्यू आप बता दीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन करते हैं इसको, इसका बनाते हैं हम फ्री वर्ड डायग्राम। तो देखो फटाफट इसका बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो ये आपका आ गया ये वर्टिकल वाला हिस्सा और ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा, ठीक है। इस पर यहां पर लग रहा है आपका 400 न्यूटन का एफर्ट, 400 न्यूटन का आपने लगा रखा है यहाँ पे लोड, और ये है इस पॉइंट के अबाउट हिंज, इस पॉइंट के अबाउट है हिंज, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है आपका, यहाँ पे लगा है आपका शू, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका शू लगा हुआ है, यहाँ पे आपका शू लगा हुआ है और ये है आपका व्हील, ये है आपका एक व्हील जिस पर आप क्या कर रहे हैं ब्रेक लगा रहे हैं, जिस पर आप क्या कर रहे हैं ब्रेक लगा रहे हैं, ये आपका है व्हील जिस पर आप ब्रेक लगा रहे हैं। और आपको यही समझना है कि एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है, जैसे ही आपको एक बार ये पता चल जाएगा वैसे ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसकी इक्वेशन बनाना समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपको दिखाया गया है डायरेक्शन से कि ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस पर इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, और अगर इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगा और जो डब्ल्यू है वो नीचे की तरफ लगेगा डब्ल्यू, इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर एन, और जो आपका ये होगा ये आपका लगेगा इस डायरेक्शन में एफ टी फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपका लगेगा एफ टी, मानते हैं बहुत से लोग एफ आर मान लेते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल टॉर्क फोर्स मान लेते हैं, लेट से एफ आर मान लेते हैं इसको फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर मान लेते हैं इसको फ्रिक्शनल फोर्स, ये आर एन आपका ऊपर की तरफ लगेगा, आर एन आपका ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ से इन्होंने सारे डिस्टेंस आपको दे रखे हैं, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 200 मिलीमीटर, ये वाला डिस्टेंस इन्होंने देख रखा है आपको 400 मिलीमीटर, अब क्योंकि आपको शू पे एनालिसिस करनी है तो बस इसी को एनालिसिस करेंगे, इसका डायग्राम हम दूसरी तरफ बना लेते हैं जिससे कि किसी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये लगा आपका एफ आर, ये लगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर एन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है आपका 200 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस है आपका 400 मिलीमीटर, और यहाँ से आपका लग रहा है एक लोड और जिसकी वैल्यू है आपकी 400 न्यूटन, ये वैल्यू आपको पता है सारी, ये वाली वैल्यू आपको पता है सारी की सारी। अब देखो इसने ये और दे रखा है कि इसकी फेस वेट है 300 मिलीमीटर, मतलब अगर आप देखो ये आपका जो डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है, यहाँ से दे रखा है वो कितना दे रखा है 150 मिलीमीटर, कितना दे रखा है यहाँ से डिस्टेंस जो सेंटर है पॉइंट, यहाँ से जो हिंज पॉइंट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपका रेडियस के बराबर 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर ये आपका डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है 150 मिलीमीटर, ये आपका डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है 150 मिलीमीटर, कितना दे रखा है 150 मिलीमीटर, कितना डिस्टेंस दे रखा है आपका 150 मिलीमीटर, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये वाली बात अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब देखो पढ़ो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से, अब ब्लॉक ब्रेक शोन बिलो हैज अ फेस विड्थ ऑफ 300 मिलीमीटर एंड अ मीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 फॉर एन एक्टिवेटिंग फोर्स ऑफ 400 न्यूटन द ब्रेकिंग टॉर्क इन न्यूटन मीटर, आपसे पूछा जा रहा है टॉर्क कितना लगना है,
तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले आपको पी एफर्ट की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको पता होना चाहिए आर एन की वैल्यू, क्योंकि म्यू आर एन की पता चल जाएगा तो आपको फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा क्या, आपको पता क्या चल जाएगा, आपको फ्रिक्शन फोर्स पता चल जाएगा तो एफ आर इन टू आर की वैल्यू जो होती है वही आपकी वैल्यू हो जाएगी वहां से। तो सारी वैल्यूज को यहां से पुट करते हैं, तो देखो इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये आपका किस में है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, सो दैट अब इस पॉइंट को आप मान लो कुछ, इस पॉइंट को कुछ दिया नहीं है तो वो मान लेते हैं, सो दैट इट इज एन इक्विलिब्रियम, सो दैट द मूमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू जीरो। मूमेंट क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो मूमेंट ले लो ओ के अबाउट, मूमेंट अबाउट ओ के अबाउट ले लो, तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले क्लॉकवाइज वाला देखो, तो 400 इंटू आपका 0.6 आएगा, 0.6 आएगा, प्लस एफ आर इंटू जीरो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी यहाँ से मल्टीप्लाई, क्योंकि जीरो डिस्टेंस है वहाँ से, माइनस आपका आएगा आर एन इंटू 0.2, ये आएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ से देखो ये जीरो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है जीरो, तो पुट करो 400 इंटू 0.6 माइनस आर एन इंटू 0.2, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा फिर जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर एन इज इक्वल टू आपका आएगा 400 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 times। तो यहाँ से आर एन की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी आपकी 1200। और अगर आपकी एक बार आर एन की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक बार अगर आपके पास में आर एन की वैल्यू आ गई है तो आप एफ आर निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है आपकी म्यू आर एन, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है आपकी म्यू आर एन, म्यू की वैल्यू 0.25 गिवन थी, तो 0.25 इंटू आर एन की वैल्यू 1200। और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300 न्यूटन। दिस इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स इज द 300 न्यूटन, एंड ही इज आस्किंग अबाउट द टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी आपकी, टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर इंटू आर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर इंटू आर, वैल्यू पुट कर दो 300, तो इसकी वैल्यू है, और आर की वैल्यू आपको पता है कितनी, 150 मिलीमीटर, तो मतलब 0.15, तो 150 मिलीमीटर है 0.15, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 45 न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क जो कि हमसे पूछा गया था। तो वैल्यू आ गई आपकी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को भी यहाँ पे डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है आपका 45 न्यूटन इंटू मीटर। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि अ बैंड ब्रेक हैविंग मोमेंट डायरेक्शन समझाओ बॉबी। देखो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं मैं, ओ के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं इसको यहां पे दिखाता हूं फ्री वेव डायग्राम बना के, देखो एक बार, ये आपका है, ये आपका 400 न्यूटन लग रहा है और ये आपका आर एन लग रहा है यहां से, और ये आपका लगा हुआ है शू, और इस शू के इस पॉइंट से आपका क्या लग रहा है एफ आर, और इसी पॉइंट के सामने से ये है हिंज, इसी पॉइंट पर ये है हिंज, इस पॉइंट के आप मूवमेंट ले रहे हो, इस पॉइंट के आप अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हो। देखो तो ओके अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूंगा
तो देखो 400 और इसका डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज क्योंकि इसी तरफ घूमेगा, तो ये आपका 200 था और ये आपका 400 था, तो आपका आ गया 600 मिलीमीटर मतलब 0.6 मीटर। प्लस ये FR है, अब ये चाहे क्लॉकवाइज बोलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसी के सामने है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0 है, तो मतलब FR इंटू 0 और माइनस ये देखो ये आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसी अगर इस पॉइंट ओके अबाउट इसका मूवमेंट देखेंगे तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपका आएगा RN इंटू इसका डिस्टेंस कितना है 0.2। ये आगे डायरेक्शन, ये आगे आपके पास डायरेक्शन सिंपल है। मूवमेंट की डायरेक्शन कभी भी कैसे लेते हैं सिंपल से समझो, जब भी आपको डाउट लगे मूवमेंट की डायरेक्शन में, जब भी आपको कभी भी डाउट लगे मूवमेंट की डायरेक्शन में, तो देखो सिंपल इतना देखना है आपको, मान के चलो कि इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हो, ठीक है, एक ऐसे डायरेक्शन है, लोड ऐसा लग रहा है, एक लोड ऐसा लग रहा है, एक लोड ऐसा लग रहा है और एक लोड ऐसा लग रहा है और लास्ट में आके एक लोड ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसे देख लो। तो मूवमेंट जब भी इतना डिफिकल्ट बना दिया, इसके बाद में कोई भी जिंदगी में कभी मूवमेंट लेने में दिक्कत नहीं आएगी, इतना बता दिया आपको। तो देखो फटाफट, जब भी मूवमेंट लेते हैं तो जो आपकी लोड की डायरेक्शन है उसको अपनी तरफ इस तरीके से घुमाओ कि सबसे पास में आ जाए, वो आपको सबसे इजीली वो आपके पास में आ सके इस तरीके से घुमाना है। तो देखो फटाफट देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इस लोड को घुमाऊँ तो इस लोड को घुमाने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो देखो इजी वाला कौन सा है, इजी वाला ये वाला है, इजी वाला ये वाला है और ये वाला है टफ वाला, इसको हटा दिया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। अब देखो फटाफट, अगर कहा जाए कि इसकी लोड की डायरेक्शन बताओ, तो इसके लिए देखो एक तो आपके पास में ये तरीका है इस तरफ घुमाने का और एक तरीका है इस तरफ से घुमाने का, तो आपके लिए इजी वाला कौन सा है, ये वाला इजी वाला, ये वाला इजी वाला, तो ये कौन सा हुआ टफ वाला हो गया, तो ये आपकी कभी डायरेक्शन नहीं होगी। फिर आपसे कभी भी कहे कि इसका बता दो, इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, एक तो ये हो सकती है ऐसे करके और एक सिंपल ये हो सकती है। अब आपके लिए इजी वाला कौन सा है, ये वाला है, ये वाला कौन सा है टफ वाला है, तो इसको क्या करो, इसको रफ कर दो, कहते ये तो डायरेक्शन नहीं हो सकती हमारी। फिर सेम टू सेम देखो इस वाले के लिए, देखो इस वाले के लिए एक तो ये तरीका है घूमने का और एक तरीका ये वाला है घूमने का सीधे, तो कौन सा वाला इजी है, ये वाला इजी है, तो इसका मतलब ये वाली इसकी कभी मूवमेंट वाली इक्वेशन नहीं हो सकती, ये वाली कभी मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं हो सकती। फिर ऐसे इस वाले का देखो, इसके लिए आपके पास में दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक तो इस तरीके से घूम के जाए और एक आपका सिंपल इस तरीके से घूमे। अब आपको पता है कि ये वाला इजी है और ये वाला टफ है, तो ये वाला तो कभी भी नहीं हो सकता, तो इस तरीके से हमेशा मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं, हमेशा इसी तरीके से मूवमेंट की डायरेक्शन लेंगे। तो फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ बैंड ब्रेक हैविंग बैंड विड्थ ऑफ 80 मिलीमीटर, बैंड विड्थ का मतलब हुआ आपका 80 मिलीमीटर, क्या कह रहा है वो, 80 मिलीमीटर आपकी बैंड विड्थ है, ड्रम डायमीटर है जिस ड्रम पे वो लगा हुआ है आपका बैंड, वो आपका 250 मिलीमीटर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू है वो है 0.25 एंड एंगल ऑफ रैप है 270 डिग्री, एंगल ऑफ रैप थीटा है आपका 270 डिग्री, इज रिक्वायर्ड टू अ एक्सर्ट ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन इनटू मीटर, मतलब आपके पास में क्या दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है और वो दी हुई है 1000 न्यूटन इनटू मीटर, द मैक्सिमम टेंशन डेवलप्ड इन द बैंड, आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम टेंशन। तो देखो फटाफट यहां से आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है टॉर्क, लेट से टॉर्क टी इक्वल टू आपको गिवन है 1000 न्यूटन इंटू मीटर, ये आपको गिवन है, आपको गिवन है रेडियस, ड्रम डायमीटर गिवन है, मतलब डी गिवन है आपको, वो गिवन है आपको 250 मिलीमीटर, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि आर जो होगा आपका वो हो जाएगा 125 मिलीमीटर। मुझे वाइब्रेशन पढ़ना है, कैसे होगा सर, पढ़ने से ही होगा, मैं कुछ दिनों में जैसे ही मेरा मशीन डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में शायद मैं वाइब्रेशन या थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा, वाइब्रेशन या थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे, तो मोस्ट प्रोबली मिड ऑफ द या फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में अगस्त के मेरा कंप्लीट हो जाएगा मशीन डिज़ाइन, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेकिंग द थ्योरी मशीन और वाइब्रेशन ऑन द डिमांड्स, की कौन सी डिमांड है स्टूडेंट्स की उसके अकॉर्डिंग फिर चलेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन थोड़ा टफ सब्जेक्ट रहता है तो थोड़ा सा
ट्रिकी रहता है, तो देखते हैं कि स्ट्रेंथ कैसी रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू गिवन है तो आपको आर की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता चल गई, फिर देखेंगे हम आपको गिवन है म्यू की वैल्यू, और म्यू की वैल्यू गिवन है आपको 0.25, म्यू की वैल्यू गिवन है आपको 0.25, फिर आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ रेप थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 270 डिग्री। अब 270 डिग्री दी गई है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, रेडियन में, तो वहाँ से आप इसको कह सकते हो कि 3π/2 रेडियन, रेडियन 3π/2 रेडियन में हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियन में हो गया। फिर आपसे पूछा गया है आपको क्या दिया है, इतना ही वैल्यू आपको दी की गई है और कहा गया है मैक्सिमम टेंशन बता दो, तो लेट्स से मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितनी होगी, लेट्स से वी विल अज्यूम एट T1, और हमने क्या कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया, और यही आपसे पूछा गया कितना होगा, यही पूछा गया आपसे कितना होगा। तो आपको पहले, सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या है, T1 - T2 इंटू आर इज इक्वल टू आपका होगा टॉर्क, टॉर्क। तो आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से कितनी इक्वेशन आ जाएगी, 1000 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क था, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी T1 - T2 इज मल्टीप्लाइड विद 0.125, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, और 0.125 का इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 0.125 से इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास में यहाँ से आ जाएगा T1 - T2 is equal to 1000 divided by 0.125। तीन जीरो हटा दो, तीन जीरो लगा दो, पॉइंट है तीन डिजिट बाद में, यहाँ से हटा दो, इससे कट कर दो, 125 का एट टाइम्स कितना हो जाता है 8000 हो गया। तो आपके पास कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 8000 आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, T1 - T2 is equal to 8000, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर वन, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर वन आ गई आपके पास। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, T1 / T2 is equal to e^μθ, ये आपके पास आना चाहिए, T1 / T2 e^μθ, ये आपके पास आना चाहिए। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, T1 / T2 is equal to e^μ, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, 0.025 गिवन है, 0.25 × 3π/2, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी वैल्यू को मैं पूरा कैलकुलेट करके लिखूँ, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी T1 / T2 is equal to 3.248, ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ये वैल्यू आ गई आपके पास, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू, अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर टू, या फिर और काम करो, इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा T1 is equal to 3.248 T2, इसको मान लो इक्वेशन थ्री मान लिया, ये आ गया आपके पास। और इसको क्या करो, पुट कर दो T2 की फॉर्म में, पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि T1 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आ गया 3.248 T2 - T2 is equal to 8000, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2.248 T2 is equal to 8000, ये वैल्यू आ गया आपके पास, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8000 divided by 2.248, यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3558.7 न्यूटन, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास में जो वैल्यू आई है ये आई है आपके पास में T2 की। बट आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंशन निकालना, मतलब आपको निकालना है T1, आपको निकालना है T1, तो यहाँ से आपको पता था कि T1 / T2
इज इक्वल टू था 3558.7। इसी को आगे यहाँ पे सॉल्व करके लिख दो, तो टी वन की वैल्यू आपको पता है, टी टू की वैल्यू आप निकाल के लेके आए हो, सॉरी ये 3.248 था, 3.248, तो T1 अपॉन 3558.7 इज इक्वल टू 3.248, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आप T1 की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू 3.248 इनटू 3558.7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आ जाएगी 11.56 किलो न्यूटन। मतलब आपके पास में T1 की वैल्यू कितनी आई, 11.56 किलो न्यूटन, और T2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, वो आई आपके पास में 3.55 किलो न्यूटन। ये आपके पास में आ गई वैल्यू, ये आपके पास में आ गई वैल्यू इसकी। आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं वैल्यूज को पुट करके पूरा इक्वेशन को आगे कर देना है, इन्हीं इक्वेशन को आगे कर देना, मैक्सिमम तो आपको पता चल गया टेंशन कितना आ चुका है 11.56। फटाफट क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन डी दिख जाएगा आपको आंसर, टिक करो और आगे बढ़ो, टिक करो और आगे बढ़ो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए फिर फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अब फोर्स ऑफ 400 न्यूटन is applied to the brake drum of 0.5 meter diameter in a bend brake system as shown in the figure where the wrapping angle is 180 degree। मतलब ये वाला जो एंगल है आपको ये दिखा दिया गया है कि भैया ये है 180 degree, ठीक है, और 400 न्यूटन के लोड से ये क्या करा जा रहा है, खींचा जा रहा है, ठीक है, ये वाली बात। और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जो कि डायरेक्शन से दिखा दिया गया। If the coefficient of friction between the drum and the band is 0.25, मतलब म्यू की वैल्यू आपको गिवन है और वो दे रखी है आपको 0.25। द ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाइड इन न्यूटन इंटू मीटर इज, ब्रेकिंग टॉर्क पूछा जा रहा है आपसे, आपको बताना पड़ेगा ब्रेकिंग टॉर्क। अब देखो यहाँ पे क्लियर है कि ये आपका एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये वाला टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला टेंशन सबसे ज्यादा होगा। और अगर ये वाला टेंशन सबसे ज्यादा होगा तो ये टेंशन कितना होगा, जितना इससे खींच रहा है, मतलब आपका इसमें टेंशन जो होगा वो आपका 400 न्यूटन का ही होगा, आपका जो टेंशन होगा वो 400 न्यूटन का ही होगा। मतलब T1 की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, वो है आपकी 400 न्यूटन, T1 की जो वैल्यू है वो आपको पता चल चुकी है, वो है वैल्यू आपकी 400 न्यूटन, T1 की जो वैल्यू है आपकी वो पता चल चुकी है, वो है आपकी 400 न्यूटन, ठीक है, T1 की जो वैल्यू है आपकी वो है 400 न्यूटन, ठीक है। R की वैल्यू भी दी है आपको, D की वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर, तो यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाएगी आपकी 0.25 मीटर, ये आ जाएगी आपके पास, आपके पास सारी वैल्यू आ गई, आपके पास सारी वैल्यू आ गई। थीटा और गिवन है आपको, थीटा और गिवन है, थीटा इज इक्वल टू गिवन है 180 डिग्री, मतलब कि आपका हो गया पाई रेडियन, पाई रेडियन। सारी वैल्यूज को सॉल्व करो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। फटाफट देखो पहली इक्वेशन लगा देते हैं, टी वन अपॉन टी टू की पावर, टी टू इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, ये आपके पास पता चल गया, ये आपके पास वैल्यू पता चल गई, सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो। टी वन की वैल्यू आप पता है कितनी है, 400 डिवाइडेड बाई टी टू इज इक्वल टू ई की पावर 0.25, और थीटा की वैल्यू है पाई, 0.25 और थीटा की वैल्यू है पाई। सॉल्व करके लेके आओगे तो T2 इक्वल टू आएगा आपका 400 डिवाइडेड बाई e की पावर 0.25 पाई, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। यहाँ से आप T2 की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाएगी आपके पास में 182.375 न्यूटन। T1 पता है आपको ऑलरेडी, T1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। T2 की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। नाउ आपसे पूछा गया है टॉर्क, आपसे पूछा गया है टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू आप जानते हैं, टॉर्क T इक्वल टू आपका होता है T1 माइनस ऑफ T2 इनटू ऑफ R। सारी वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल लो, T1 की वैल्यू है आपकी 400
-182.375 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.25, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि जो टॉर्क है आपका टी, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 54.4 न्यूटन इनटू मीटर। ये आपके पास में सारी वैल्यू आ जाएगी जिसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आप डायरेक्टली पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी डायरेक्टली, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर पुट करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इसका आंसर दिया है, आंसर दिया हुआ है इसका, और आंसर दिया है ऑप्शन बी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर टिक करेंगे 54.4 और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर टिक करेंगे ऑप्शन बी और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। तो फटाफट बढ़ते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब देखो 8 क्या कह रहा है, 8 क्या कह रहा है आपसे, 8 आपसे कह रहा है कि अ ड्रम ब्रेक इज शोन इन द फिगर, द ड्रम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो कि उसने पहले से दिखाया है, जो कि उसने पहले से दिखाया है कि ड्रम जो है आपका वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है रोटेट। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड द शू इज 0.25, मतलब आपकी जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.25, म्यू की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.2 है ओनली, म्यू इज द ओनली वन 0.2, म्यू इज द ओनली 0.2। द डायमेंशन शोन इन द फिगर आर इन मिलीमीटर, द ब्रेकिंग टॉर्क इन न्यूटन इनटू मीटर फॉर द ब्रेक शू। आपको क्या बताना है यहाँ पे, ब्रेकिंग टॉर्क बताना है। तो सिंपल सी बात सुनो कि अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ब्रेक लगाने के लिए ये शू इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, और जिसकी डायरेक्शन होगी आपकी इस डायरेक्शन में, ये लगेगा आपका एफ आर, ये लगेगा आपका एफ आर, जो कि लगेगा व्हील पे, और व्हील फिर इस शू पे लगाएगा एक फ्रिक्शनल फोर्स, और वो लगाएगा आपका इस डायरेक्शन में लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, व्हील लगाएगा शू पे आपका एक फोर्स, जिसकी वैल्यू भी होगी एफ आर। ये डब्ल्यू कर रहा होगा इसका नीचे की तरफ काम, तो यहाँ से आपके पास में एक मिलेगा आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी आर एन। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन। आपको अब बस सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फटाफट। तो देखो लेट से इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ पॉइंट, तो फटाफट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो ये आपका हिंज पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट से आपका लग रहा है आर एन, और ये लगा हुआ है आपका शू, और इस शू से आपका यहाँ पे लग रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू है आपकी एफ आर। यहाँ पे लग रहा है आपका पी एफर्ट, और जिसकी वैल्यू है आपकी 1000 न्यूटन। और आपको पता है ये वाली है आपकी 480 और टोटल है 800। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी 480, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है आपकी 800, और सारी डिस्टेंस किसमें, मिलीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 100 मिलीमीटर। देखो आपकी गिवन है यहाँ से यहाँ तक की 100 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की गिवन है मिलीमीटर, और आप क्या करो इस पॉइंट को मान लो ओ। तो यहाँ से लिखते हैं सिंपल, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट ले लो, ओ के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट ले लो। तो देखो फटाफट ये आपका कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, ये आपका कैसा जाएगा यहाँ से, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, अभी बताया था आपको, तो ये आपका ऐसे ही जाएगा, ये भी आपका क्लॉकवाइज, और ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट अबाउट ओ निकाल लो, मोमेंट अबाउट ओ निकाल लो, अगर मोमेंट अबाउट ओ निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व।
अगर मूवमेंट निकालना सीख गए तो क्वेश्चन बनाना सीख गए, अगर मूवमेंट नहीं निकालना सीख पाए हो तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, और वो आपका मैकेनिक्स का पार्ट है, आपको आना ही चाहिए। तो फटाफट देखो मूवमेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसका निकाल लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, आर एन, अब ये क्लॉक वाइज में घूम रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, इंटू कितना 0.480, मैं क्या कर रहा हूँ इनको, चलो एक काम करते हैं सारे मिलीमीटर में ही ले लेते हैं, 480 आर एन का हो गया 480 प्लस, क्योंकि ये एफ आर भी पॉजिटिव है, एफ आर इंटू, और इसका डिस्टेंस कितना है 100, इस का माइनस क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज कितना 1000 × 800, ये आ गया आपका, और ये इक्विलिब्रियम में है इसीलिए मूवमेंट अबाउट ओ के अबाउट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो आर एन इंटू 480 माइनस एफ आर को क्या लिख सकते हो म्यू आर एन इंटू 100 माइनस 1000 × 800 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये वाली वैल्यू पता है तो आप सिंपल सी वैल्यू लगा सकते हो, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आपको ये वाली वैल्यू पता है तो। और म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन थी देखो फटाफट, म्यू की गिवन थी 0.2, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2, तो क्या करो वैल्यू कर दो पुट यहाँ पे, तो आर एन इंटू 480 माइनस 0.2 ऑफ आर एन इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 × 800, ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से देखो ये आपका हुआ 480 आर एन, और ये 0.2 का आप मल्टीप्लाई करोगे इससे 100 से तो कितना आएगा 20 प्लस का 20 × 20 आ रहा है, इज इक्वल टू 1000 × 800, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका 500 आर एन इज इक्वल टू 1000 × 800, यहाँ से आपको आर एन की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 × 800/500, इससे ये 2 times कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी आर एन की जो वैल्यू निकली वो निकल के आई 1600 newton। ये आपकी वैल्यू किसकी पता चल गई है आपको, आर एन की वैल्यू पता चल गई है, ये वाली वैल्यू आपको किसकी पता चल गई है, आर एन की वैल्यू पता चल गई है। एक बार अगर आपको आर एन की वैल्यू पता चल गई तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, एफ आर की वैल्यू पता चल जाएगी। एफ आर की जो वैल्यू है वो है आपकी म्यू आर एन, ये आपकी एफ आर की वैल्यू होगी फ्रिक्शनल फोर्स की, म्यू आर एन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, एफ आर इज इक्वल टू 0.2 × आर एन की वैल्यू 1600 newton, और इसको अगर आप करोगे तो एफ आर की वैल्यू जो आपके पास में आ जाएगी वो आ जाएगी 320 newton, ये आ जाएगी आपके पास, आपके पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी 320 newton, ये आपके पास आ गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ये आपके पास आ गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स। बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टॉर्क, टॉर्क टी, और टॉर्क टी की वैल्यू कितनी होती है आपकी एफ आर इंटू का आर, ये वैल्यू होती है आपकी, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एफ आर इज इक्वल टू 320, और आर की वैल्यू आपको गिविन थी, आर की वैल्यू कितनी गिविन थी 200 millimeter गिविन है, 200 millimeter गिविन। अब यहाँ पे मिलीमीटर मत लगा देना, वहाँ तो कैंसिल हो गया था, यहाँ पे तो आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 64 newton × meter, कितनी आ जाएगी 64 newton × meter, कितनी वैल्यू आई आपके पास में 64 newton × meter। अगर ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस वन इज द 64 newton × meter, द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस वन इज द 64 newton × meter, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, 64 newton × meter इज द राइट वैल्यू फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में टॉर्क की वैल्यू, जो आपका आंसर आ रहा है वो आएगा आपका 64 newton × meter, और इसी में आपसे पूछा गया है, जिसकी वैल्यू है आपकी 64 newton × meter। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास आ गया 64 newton × meter। आपको बस क्या आना चाहिए, आपको एक तो आना चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस,
कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो किस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फिर जो व्हील पे किस डायरेक्शन में लगेगा, फिर व्हील किस डायरेक्शन में आपका शू पे लगाएगा, फिर आपको मूवमेंट लेना आना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, ये बड़ी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको फेस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि अ फोर व्हील व्हीकल ऑफ मास इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, जिसका मास है 1000 किलोग्राम। एक फोर व्हील व्हीकल है, चार पहिए वाला व्हीकल है, जिसका आपका वेट है, आपका मास है आपका 1000 किलोग्राम, मूव्स यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, विद द व्हील्स रिवॉल्विंग एट 10 रेडियन पर सेकेंड। जो व्हील है उनकी एंगुलर स्पीड है वो है आपकी 10 रेडियन पर सेकेंड। द व्हील्स आर आइडेंटिकल, मतलब चारों व्हील हैं वो एक ही साइज के हैं, एक ही तरीके के हैं, एक ही शेप के हैं, तो व्हील जो हैं आपके वो चारों आइडेंटिकल हैं। ईच विद अ रेडियस ऑफ 0.2 मीटर, हर किसी की रेडियस कितनी है 0.2 मीटर। देन अ कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग टॉर्क इज अप्लाइड टू ऑल द व्हील्स एंड द व्हीकल एक्सपीरियंस अ यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन। देन अ कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग टॉर्क, एक आपने एक ब्रेकिंग टॉर्क वहाँ लगाया जिससे व्हील में क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन हुआ फॉर द व्हीकल टू स्टॉप इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में अगर वो व्हीकल क्या हो जाए, बंद हो जाए, हम चाहते हैं 10 सेकेंड बाद में वो व्हीकल क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, जितना डिस्टेंस 10 सेकेंड में ट्रैवल करना उतना कर ले, 10 सेकेंड बाद में जैसे ही हमारा ब्रेक लगाने के बाद में 10 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हो वो व्हीकल वहाँ रुका हुआ हो, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है आपकी डिस्क ब्रेक नहीं, अगर डिस्क ब्रेक की बात ना करें, जनरली ब्रेक की बात करें, तो थोड़ा सा व्हील आगे से जाता है, थोड़ा सा व्हील आगे से जाता है, या आप मान इनर्शिया की वजह से आगे से जाता है। तो द ब्रेकिंग टॉर्क इन न्यूटन इनटू मीटर ऑन ईच व्हील, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा आपको हर एक व्हील पे, ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ये वाली बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लो, मास गिवन है 1000 किलोग्राम, ये आपके पूरे व्हीकल का मास है 1000 किलोग्राम। फिर आपको गिवन है ओमेगा ऑफ ईच व्हील, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपको रेडियस गिवन है ईच व्हील की, जो है आपका 0.2 मीटर। फिर ये बता रहा है कि कांस्टेंट ब्रेकिंग टॉर्क लगा दो और फिर टी इक्वल टू 10 सेकेंड में वो बंद हो जाना चाहिए, जो स्टॉप हो जाना चाहिए आपका व्हीकल है वो 10 सेकेंड बाद में, 10 सेकेंड बाद में स्टॉप हो जाना चाहिए। फिर आपसे कह रहा है कि ब्रेकिंग टॉर्क बता दो न्यूटन इंटू मीटर में, ईच व्हील पे कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा कि व्हीकल आपका क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, व्हीकल आपका क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अगर आप ये टॉर्क बता दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस व्हीकल को समझने के लिए ज़रूरत है, सबसे पहले इस व्हीकल को समझने की ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे एक व्हीकल है, ये कार मान लो, कुछ भी मान लो, जो फोर व्हीलर है, मतलब चार पहिए लगे हुए हैं जिसमें, ये आपके चार पहिए लगे हुए हैं इसमें, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और जिसमें इसके व्हील हैं जो, वो ओमेगा इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड से चल रहे होंगे, 10 रेडियन पर सेकेंड से चल रहे होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहीं पर समझना है, सबसे पहले आपको इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी में, वेलोसिटी, क्योंकि आपके पास में क्या होगा, जब स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, एक तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है कि वो क्या हो गई है, जीरो हो गई, क्योंकि अब क्या हो गया, वो गया है रुक, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, होगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता करनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब यूनिफॉर्म से चल रहा है तो v इक्वल टू हो गया r ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा, और v इक्वल टू 0.2 की वैल्यू थी r, और ओमेगा की वैल्यू थी 10 थी, ओमेगा की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ v, This is the initial velocity of a wheel. और
फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल, आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन होता तो पॉजिटिव में होता है, डीएक्सेलरेशन होता तो नेगेटिव में होता है। तो v इक्वल टू आपकी जो करेक्ट इक्वेशन है v इक्वल टू वो होगी u प्लस at, बट यहाँ पे जो a होगा वो होगा आपका माइनस का a, तो इसीलिए आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी v इक्वल टू u माइनस at। ये आपको पता चल गया, इतना लगना चाहिए। और आपको v की वैल्यू पता है, फाइनल वेलोसिटी वो है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाल ली है टू माइनस ए, और टाइम बताया गया था कि 10 सेकेंड। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/10, इसका मतलब आपकी वैल्यू आई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ये आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन व्हीकल फॉर स्टॉपिंग, मतलब ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, अप्लाइड इन फॉर्म ऑफ टॉर्क, इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क, ये लगाना पड़ेगा आपको। और वो कितना होगा आपका, F इक्वल टू होता है आपका ma, तो F की वैल्यू तो ये रहा, m की वैल्यू 1000 आ गई, और a की वैल्यू आप अभी निकाल के लाए हैं 0.2, तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई आपकी 200 न्यूटन। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका आ रहा है, वो आ रहा है 200 न्यूटन, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आ रहा है 200 न्यूटन। और आपको ये कितना है फॉर व्हीकल, ये आपका व्हीकल है, व्हीकल के लिए आ रहा है, व्हीकल के लिए आ रहा है। तो फिर हम निकालेंगे F ऑन ईच व्हील, आपको हर एक व्हील पे कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो आपका टोटल कितना लग रहा है, आपका टोटल लग रहा है आपका 200 / 4, ये कर दो, तो आपको हर एक व्हीकल पे, हर एक व्हील पे 50 न्यूटन का आपको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। और कोई भी अब आपसे पूछ ले कि टॉर्क बता दो, टॉर्क बता दो, सिंपल से बता सकते हैं 50 × 0.2 ऑफ द रेडियस, मतलब यहाँ पे आप लिख दो वो ज़्यादा बढ़िया है, वरना बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कि एफ ऑफ व्हील इनटू व्हील रेडियस, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, 50 × 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन × मीटर, मतलब आपको 10 न्यूटन × मीटर का क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन × मीटर का क्या लगाना पड़ेगा आपको, टॉर्क लगाना पड़ेगा हर एक व्हील पे, तब वो स्टॉप हो पाएंगे, तब वो स्टॉप कर पाओगे आप, अदरवाइज़ आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते। आपको अगर उनको स्टॉप करना है तो आपको 10 न्यूटन × मीटर का रेजिस्टेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्लियर हुई वाली बात, तो आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द फोर्स F1 एंड F2 इन अ ब्रेक ड्रम ब्रेक बैंड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ड्रम, मतलब देखो क्लॉकवाइज आपका चल रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आपको इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क बैंड के थ्रू। तो मतलब एक तो ये F1 लगा दिया आपने, एक लगा दिया F2 ये लगा दिया आपने, जो टेंशन दे रहे होंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, म्यू की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, म्यू की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है आपको 0.25। द एंगल ऑफ रैप इज 3π/2, मतलब ये वाला एंगल आपको जो दिया गया है, ये वाला एंगल जो आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है साहब ने कि 270 डिग्री कहो या 3π/2 कहो, एक ही बात है। इट इज गिवन दैट R इक्वल टू 1 मीटर, और इसका R जो है वो आपको गिवन है 1 मीटर, एंड F2 इक्वल टू 1 न्यूटन, इसकी वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है कि 1 न्यूटन। द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द ड्रम इज, द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द ड्रम इज, आपको क्या बताना है, टॉर्क बताना है ड्रम पे, कितना टॉर्क लगेगा आपको। अगर ये वाली वैल्यू आप बता देंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो एक बात समझो, कि आपको अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो F1 आपके लिए क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है तो आपके लिए F1 फॉर अप्लाइंग द फ्रिक्शनल टॉर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग व्हील दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज में लगाना है तो F1 जो होगा वो आपका F2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात पे आ जाओ यहाँ से कि F1 इज ग्रेटर देन F2 होना चाहिए। और आप एक इक्वेशन जानते हैं, कौन सी इक्वेशन जानते हैं कि T1, अगर बैंड ब्रेक की बात हो रही है तो T1 अपॉन में T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा, ये आप जानते हैं। और T1 और T2 यहाँ पे क्या है, F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। सारी वैल्यू आपको गिवन है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। F1 की वैल्यू F1, F2 की वैल्यू 1 गिवन थी, e की वैल्यू e रहने दो, और म्यू की वैल्यू गिवन है आपको 0.25 और थीटा गिवन है आपको 3π/2। ये आपको गिवन है, ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सारी वैल्यूज को समझना है। यहाँ से आप F1 की वैल्यू निकाल सकते हो, वन इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 3π/y, आप इसको कह सकते हो 8, आप इसको कह सकते हो 3π/8, और अगर इसको एक्सपोनेंशियल को कैलसी में जैसी रखोगे वैसी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.2482 न्यूटन आपके पास वैल्यू आ गई एफ वन की। एफ वन आपके पास में क्या है, जो आपका इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये आपकी वैल्यू आ गई है 3.2482 न्यूटन। ये वैल्यू आपके पास पता चल गई, ये वैल्यू आपके पास पता चल चुकी है। और आपको बड़े अच्छे से पता है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है एफ वन माइनस, मतलब ऐसे नहीं, हम उसी डायरेक्ट फॉर्मूले अपने से लिखते हैं जिससे कि लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे कि मैं कहाँ से ये वाली वैल्यू लेके आया हूँ। आपकी वैल्यू होती है टी वन माइनस टी टू इंटू आर, और इसीलिए आप इसको लिख सकते हो एफ वन माइनस एफ टू इंटू आर। एफ वन की वैल्यू अभी आपने निकाली 3.2482, एफ टू की वैल्यू आपको गिवन थी 1, और आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है आर की वैल्यू 1 मीटर, आर की वैल्यू गिवन है आपको 1 मीटर। देखो यहाँ से गिवन था, इन्होंने दे रखा था आर इज इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस गिवन है 1 मीटर। सारी वैल्यूज को पुट करो तो आपके पास आ जाएगा 2.2482 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपके पास में आ जाएगा टॉर्क, अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं था तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3.2482 न्यूटन इंटू मीटर। इतना आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इस क्वेश्चन के वैल्यू का आंसर चाहते हैं तो, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यही वाली बात समझनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। वो आपके लिए, उसके लिए बस आपको जो आपको एल्गोरिदम है, जो जनरल जनरल आपका मैकेनिज्म है, आपको वो समझनी चाहिए। जनरल मैकेनिज्म अगर एक बार क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा करना, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, तो मुझको उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जो फोर्स ज़्यादा पड़ रहा होगा वही वाले फोर्स को ज़्यादा मानेंगे टेंशन। एंटी क्लॉकवाइज की साइड में जिसकी डायरेक्शन होगी वही आपको घुमा पाएगा। अब इसमें F1 एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, F2 तो नहीं घुमा सकता क्योंकि टेंशन तो नीचे की तरफ ही लग रही है ना F1, तो F1 की वैल्यू आपको पता चल गई।
और आपको F1 पता चल गया तो आपको पता है कि T1 जब ग्रेटर देन हो T2 से, T1 जब ग्रेटर देन हो T2 से, तो आप लगा देते हैं T1 अपॉन T2 की पावर e की पावर म्यू थीटा डायरेक्टली। सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, सारी वैल्यूज आपने पुट की, यहाँ से आपने F1 की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई आपके पास 3.2482। फिर आप टॉर्क जानते हैं, टॉर्क की वैल्यू जो आपकी लगती है वो यही लगती है, टी वन माइनस टी टू इंटू आर, एफ वन माइनस एफ टू अपॉन इंटू आर, वैल्यू पुट करी आपके आंसर आ गया। यही आपको आंसर निकालना था, आपने आंसर निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा फेवरेट है, ध्यान से देखो कैसे है। क्वेश्चन क्या रहा है कि फॉर द ब्रेक शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। फॉर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। एक बार मैं मान लेता हूँ इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और एक बार मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो दोनों के लिए क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया आपके पास। यहाँ से एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो, यहाँ पे लगा दो आप अपना शू, ये लगा दिया आपने शू अपना, ठीक है। सेम टू सेम एक काम करो कि यहाँ पे लगा दो ऐसे ही, दूसरा बना लो डायग्राम, और यहाँ पे लगा दो इसमें भी शू, एक पॉइंट यहाँ मान लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो, किस पॉइंट के अबाउट हिंज करोगे ये आप देखेंगे। और ये लगा दो एक लोड यहाँ पे जो कि पी एफर्ट लग रहा होगा, एक लोड यहाँ लगा दो जो कि पी एफर्ट लग रहा होगा, हम पी मान लेते हैं इसको, हम पी मान लेते हैं इसको। अब फटाफट देखो, अब फटाफट देखो कि मान लो पहले मैं इसको घुमा रहा हूँ क्लॉक वाइज, मतलब दिस डायग्राम इज फॉर दी क्लॉक वाइज और दिस इज फॉर दी एंटी क्लॉक वाइज। ये आपका क्लॉकवाइज के लिए हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इस व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ लग रहा होगा, मतलब इसका जो फोर्स होगा वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेट से ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली सी, और लेट से ये वाली डिस्टेंस भी हमने मान ली सी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से आर लग रहा होगा आपका आर एन, और ये लग रहा होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया लेट से ए, और ये वाला मान लिया मैंने लेट से एल माइनस ए, ये मान लिया एल माइनस ए मान लिया। सेम मैंने यहाँ पे किया, इसको माना सी, इसको माना सी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखो ये मान लो घूम रहा है इस बार एंटी क्लॉकवाइज, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो शू पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे लग रहा होगा आपका आर एन, और ये वाला डिस्टेंस आपको बता दिया गया है ए है, और ये वाला डिस्टेंस आपको बता दिया गया है एल माइनस ए, एल माइनस ए, ये वाली बात पता है आपको। अब सिंपल है, इस पॉइंट को मान लो ओ, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ये क्या है हिंज, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओ, तो मोमेंट अबाउट ओ ले लो, मोमेंट अबाउट ओ ले लो, तो मोमेंट अबाउट अगर मैं ओ लूँगा तो कितना आएगा, देखो सबसे पहले तो देखो पी का, तो पी इंटू एल, एक तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज, माइनस एफ आर, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, एफ आर इंटू सी क्लॉकवाइज में, माइनस आर एन इंटू ए, ये आ जाएगा आपके पास। एम मोमेंट अबाउट जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, P into L माइनस एफ आर को हम लिख सकते हैं म्यू आर एन इंटू सी माइनस आर एन इंटू बी, ये प्लस है आपका, इज इक्वल टू हुआ जीरो। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है P की, यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको P की, तो P की वैल्यू अगर आप निकालोगे, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं आपको एक रिविज़न हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, तो P की अगर वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में आएगा आर एन इंटू बी माइनस म्यू आर एन इंटू सी डिवाइडेड बाई एल, ये आ जाएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू जो आपके पास में आ जाएगी वो आ जाएगी आर एन इज इक्वल टू, ये ए वैल्यू है ना, ए है सॉरी, तो ए माइनस म्यू सी डिवाइडेड बाई एल, ये आ जाएगा आपका। और अगर इधर के लिए मैं करूँ तो इधर के लिए भी देखो मोमेंट अबाउट ओ ले लो,
मोमेंट अबाउट ओ ले लो तो क्या आएगा आपका पी इंटू एल माइनस। अब देखो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इस बार क्लॉकवाइज नहीं आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। एफ आर इंटू सी माइनस आर एन इंटू ए, ये आएगा। तो यहाँ से पी इंटू एल इज इक्वल्स टू एफ आर इंटू सी प्लस आर एन इंटू ए, तो यहाँ से पी इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ आर इंटू सी प्लस आर एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, और एफ आर को लिख सकते हो आप म्यू आर, तो पी इक्वल टू म्यू आर एन सी प्लस आर एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो पी इक्वल टू जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा आर एन इज इक्वल टू म्यू म्यू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई एल। ये तो मैंने बस आपको एक बार सॉल्व करने के लिए दिखाया कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बट अल्टीमेटली मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, सेल्फ एनर्जाइजिंग की कंडीशन तब होती है जब आपका जो पी एफर्ट जिस डायरेक्शन में लगे, सेल्फ एनर्जाइजिंग की कंडीशन वो होती है जब आपका जो पी एफर्ट है जिस डायरेक्शन में लगे उसी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स लगे, उसी डायरेक्शन में आप फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स लगे। देखो दोनों क्लॉकवाइज में लग रहे हैं, मतलब अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये आपका सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है, बट अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो जो पी एफर्ट है वो तो क्लॉकवाइज लग रहा है, बट जो आर एन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एफ आर जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। इसका मतलब ये सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक नहीं है, ये आपकी सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है। मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे आपका आंसर आप पुट कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका आंसर पुट कर सकते हो कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है सेल्फ एनर्जाइजिंग फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ड्रम, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। आपको सिंपल सा आंसर पुट करना है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देखते हैं। द स्कीमेटिक ऑफ एन एक्सटर्नल ड्रम रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंगेजिंग विद अ शॉर्ट शू। ये देखो शॉर्ट शू लगा हुआ है आपका, ये लगा हुआ है शॉर्ट शू, ये आपका शॉर्ट शू लगा हुआ है, शॉर्ट शू इन द फिगर द शू इज माउंटेड एट पॉइंट बाई, जो शू है आपका वो पॉइंट बाई पे माउंटेड है ऑन आर रिजिड लीवर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, रिजिड का मतलब इसमें कहीं पे भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो इसकी शेप है वही रहेगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि एट पॉइंट एक्स, जो कि हिंज है पॉइंट एक्स पे, अ फोर्स एफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द लीवर, मतलब Z पॉइंट जो इसका फ्री है वहाँ पे आप इसमें एक लोड लगा रहे हैं F जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन। गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड द ड्रम इज 0.3, ये आपको गिवन है 0.3 आपके शू पे है। द ब्रेकिंग टॉर्क इन अप्लाइड ऑन द ड्रम इज, द ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाइड ऑन द ड्रम आपको बताना है। ठीक है, और हिंज को इस पॉइंट के, इस पॉइंट के अबाउट है। अब देखो इतना ज़्यादा दिमाग चलाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, आपको देख के डर लग रहा है, बट क्वेश्चन देखना कितना इजी होगा, क्वेश्चन देखना कितना इजी होगा। फटाफट देखो, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए। ये आपका है और ये लगा हुआ है आपका शू, ये आपका लगा हुआ है शू। अब देखो ये आपका है व्हील, और व्हील आपका कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर व्हील आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, और शू पे फिर किस तरफ लगेगा, शू पे इस तरफ लगेगा एफ आर, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ आर एन, और ये आपको 100 न्यूटन नीचे की तरफ, ये आपका इस तरीके से लग रहा हो, और ये पॉइंट मान लो आप एक्स गिवन है, तो मोमेंट अबाउट एक्स ले लो, फ्री बॉडी डायग्राम का मोमेंट ले लो एक्स के अबाउट। फटाफट आ जाओ नेक्स्ट पेज पे और देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप क्या करो, इसी डायग्राम को यहां बना लो एक बार, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट है हिंज और जिसको माना हुआ है आपने एक्स। ठीक है, यहां पे लगा हुआ है आपका शू, ये लगा हुआ है आपका शू, और शू लगा हुआ है यहां से आपका जा रहा है एफ आर, और जहां से आपका एफ आर जा रहा है वहां तक का डिस्टेंस जो आपको गिवन है, वहां तक का जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो आई थिंक 300 मिलीमीटर गिवन है। देखो फटाफट
300 मिलीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। और बाकी के डिस्टेंस देखो, ये जो पॉइंट वाई है जहाँ पे ये हिंज हो रखा है, जहाँ पे आपका आर एन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उसका डिस्टेंस जो गिवन है आपको वो 200 गिवन है मिलीमीटर में, 200 मिलीमीटर में गिवन है आपको, देख लो फटाफट। और आपका जहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, एक जहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है एफ, एफ लग रहा है, उस तक का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 300 मिलीमीटर गिवन है वो आपको। आप देखो सिंपल कितना है, कुछ भी नहीं करना है। आदेश सक्सेना सर कहाँ गए यार, ये सब तो नहीं पता मुझे यार, मैं तो मशीन डिजाइन पहले लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई पे पढ़ाता था, अभी आपके लीड गेट पे पढ़ा रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो आप देखिए फटाफट, अभी देखिए फटाफट, अभी देखिए कैसे करते हैं इसको। अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखो जो इस डायग्राम में जो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने वही डायग्राम को वहाँ पे दिखा दिया है। आपको क्या करना है, बस मूवमेंट लेना है। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट एक्स, एक्स के अबाउट में क्या ले लो, मूवमेंट ले लो। तो देखो सबसे पहले एक्स के अबाउट में सबसे पहले लो एफ का मूवमेंट, तो एफ इंटू 300, और एफ जो आपका देखो तो कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एफ अगर देखोगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर ले लो आप किसका, माइनस का एफ आर, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज में देगा और ये भी 300 मिलीमीटर में। और फिर इसके बाद में आपका आएगा प्लस का आर एन, और जो कहेगा आपका 200 मिलीमीटर। ये प्लस का क्यों आया, क्योंकि देखो ये क्लॉकवाइज बना रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि मूवमेंट अबाउट एक्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो मतलब आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी वैल्यू माइनस का एफ इंटू 300, माइनस का एफ आर इंटू 300, और प्लस का आर एन इंटू 200 इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, इक्वल टू आ जाएगा जीरो। अब आपको क्या निकालना है, फटाफट आपको निकालना है रिएक्शन फोर्स आर एन। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 100 जो आपको गिविन था मल्टीप्लाई 300, माइनस का इसको लिख सकते हो म्यू आर एन इंटू 300, और प्लस का आर एन इंटू 300 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इसको पहुंचा दो उधर, तो मतलब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आर एन इंटू 300 माइनस म्यू आर एन इंटू 300 इज इक्वल टू 100 इंटू 300, सॉरी ये 200 बेटा, ये 200 है, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब सारी वैल्यूज को आर एन ले लो कॉमन, आर एन ले लिया कॉमन, तो आपके पास बचा 200 माइनस म्यू 300 इज इक्वल टू 30,000, ये बचेगा आपके पास। सारी वैल्यूज को यहाँ पे देखो, म्यू की वैल्यू आपको गिवन थी, म्यू की वैल्यू आपको गिवन थी, कितनी गिवन थी, 0.3, तो 0.3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.9। तो मतलब आपका ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, आपका कितना हो जाएगा 90, मतलब आर एन 200 माइनस 0.3 इंटू 300 इज इक्वल टू 30,000, ये वैल्यू आ रही है। आर एन को तो ऐसे ही रखो, ये आपका आया 200 और ये कितना आ गया आपका, ये आया आपका 90 इज इक्वल टू 30,000, ये आ गया आपका। यहाँ से ये कितना हुआ 110, आर एन इज इक्वल टू 110, आर एन मल्टीप्लाई 110 इज इक्वल टू 30,000। यहाँ से आर एन की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 110, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपकी आर एन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आर एन की वैल्यू आपकी 47, नहीं कहीं गड़बड़ हो गई है यार,
ये 200 है, ठीक है, ये 300 है, ये भी ठीक है, ये 300 है, ये भी ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा। फिर आएगी इसकी वैल्यू, इलेवन टू ज़ा 22, ठीक है, इलेवन टू ज़ा 22, 80, इलेवन सेवन ज़ा 77, 30, इलेवन टू ज़ा 22. ओके, 272 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 11 से जब 3000 में डिवाइड करेंगे, 11 से जब 3000 में डिवाइड करोगे आप, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 272.72 न्यूटन। ये वैल्यू आ गई आपके पास आरएन की, ये वैल्यू आपके पास आ गई आरएन की, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई आरएन की। जो वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ गई है आरएन, आरएन आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो ये आ रहा है, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। अब आप सिंपल, अगर आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स पता चल गई है, तो आप यहाँ से एफ आर पता कर सकते हैं, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फोर्स, और वो होता है आपका म्यू आर एन, म्यू आर एन, म्यू की वैल्यू आपको पता है 0.3 इंटू 272.72 न्यूटन। ये वैल्यू आ गई इसकी 0.3 इंटू 272.72 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई किसकी, आपकी, किसकी वैल्यू आ गई, आपकी म्यू की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू म्यू की आ गई। और यहाँ से आप डायरेक्टली निकालोगे एफ आर, जो वैल्यू आपके पास में पता चल चुकी है, एफ आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से पता चल चुकी है, तो आप इतनी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, ऐसे पुट करना है तो ऐसे पुट कर दो, आप कैलकुलेशन कर लेना, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली टॉर्क की वैल्यू निकालोगे, तो वो होती है आपकी एफ आर इंटू आर, एफ आर इंटू आर, और आर यहाँ पे गिवन था, देखो आपको आर गिवन है 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, तो आप बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 0.3 इंटू 272.72 इंटू 0.100, क्योंकि 100 मिलीमीटर में आपको उसको कन्वर्ट करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो देखो एक पॉइंट का इसका पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट इसका आ जाएगा, 3 2 6 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, टॉर्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास में 8.18 न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द टॉर्क यू हैव टू अप्लाई एट ऑन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा होगा जिसकी वजह से आप इस ब्रेक को अप्लाई कर पाएंगे, इतना फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा होगा जिसकी वजह से आप इस टॉर्क को अप्लाई कर पाएंगे, इतना फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा होगा इसमें जिसकी वजह से आप इसमें क्या कर पाएंगे, आप क्या कर पाओगे, इतना फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा होगा इसमें जिसकी वजह से आप इस टॉर्क को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए ये ब्रेक लगेगी। कितनी वैल्यू आएगी उसकी, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 8.18 न्यूटन इंटू मीटर, 8.18 न्यूटन इंटू मीटर। मैं कहीं ना कहीं भूल गया था, ये शायद मुझे 4 लग रहा था, बट मैं दोबारा देखा है तो सही है पूरा सारा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखो फटाफट, अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक विद अ शॉर्ट शू एंड टॉर्क कैपेसिटी ऑफ 250 न्यूटन इंटू मीटर इज शोन, द सिलेंड्रिकल ब्रेक ड्रम रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो सिलेंड्रिकल जो ब्लॉक है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसने पहले ही कह दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, द सिलेंड्रिकल ब्रेक एट 100 rpm, 100 rpm से रोटेट कर रहा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू गिवन है आपको, वो गिवन है 0.25, ठीक है,
द वैल्यू ऑफ ए इन मिलीमीटर राउंड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेसेस, आपको एक ही वैल्यू बतानी है जो कि यहाँ पे ये ए दे रखा है, एक डायमेंशन का पैरामीटर में ए का दे रखा है मल्टीपल, सच दैट द मैक्सिमम एक्चुएटिंग फोर्स इज 2000 न्यूटन। इसकी एफ की वैल्यू दे रखी है, जो पी लग रखा है, जो फोर्स दे रखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू दे रखी है 2000 न्यूटन, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 2000 न्यूटन। और फिर आपसे जो पूछ रहा है वो डायमेंशन जो दे रखी है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो आपका यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा एफ आर। तो शू पे किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा शू पे, इस डायरेक्शन में लगेगा शू पे। अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको? इसका क्या बनाना है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो फटाफट, ये मैं बना रहा हूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पॉइंट के अबाउट ये है आपका हिंज, इस पॉइंट के अबाउट हिंज, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है, यहाँ से देखो हिंज, और ये लगा है आपका यहाँ पे कहीं शू। ये लगा दिया इन्होंने आपका शू। अब डायमेंशन दे दो इसको फटाफट। डायमेंशन में क्या कह रहा है कि ये 1.85 ए पे लग रहा है और ये ए पे लग रहा है, मतलब यहाँ से आपका लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू होगी आपकी आर एन, और जो यहाँ से इस डिस्टेंस से लग रहा होगा 1.5 ए पर, कितने फोर्स पे लग रहा है? 1.5 ए पर आपका ये लग रहा है फोर्स, 1.5 ए पे क्या लग रहा है आपका? फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। और ये आपका अगर हिंज से देखा जाएगा रिएक्शन फोर्स, तो आपका लग रहा है ए डिस्टेंस पे, इस पे लग रहा है, और यहां से आपका लग रहा है एक फोर्स पी, यहां पे आपका लग रहा है एक फोर्स पी। फटाफट देखो पी कितना लग रहा है, पी 1.5 डिस्टेंस पे। और आपको बताया अभी देखो कि जब ये एंटी क्लॉक, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो फ्रिक्शन फोर्स व्हील पे इस तरफ लगेगा रोलर पे, और आपका इधर लगेगा किस पे? शू पे। तो शू पे किधर लग रहा है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहां से यहां तक आपका लग रहा है क्या? फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपका एफ आर। और जो फ्रिक्शन फोर्स की जो हाइट है यहां से यहां तक की, जो फ्रिक्शन फोर्स की जो हाइट है वो आपको दे रखी है ए बाई फोर, ये आपको दे रखी है यहां से ए बाई फोर, इतनी ही वैल्यू दी है और कुछ भी नहीं दिया। सारी वैल्यू आपको यहाँ पे जो मेंशन है वो वाली दी हुई है, और कुछ करना नहीं है, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। अब फटाफट देखो कैसे करते हैं इसको, फटाफट देखो इसको कैसे करते हैं। इन्होंने पहले ही दे रखा आपको टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी 250 न्यूटन इंटू मीटर, क्या दे रखा है? 250 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क कैपेसिटी दे रखी है, मतलब आपको इन्होंने दे रखा है टॉर्क इज इक्वल टू 250 न्यूटन इंटू मीटर। और टॉर्क होता क्या है? टॉर्क जो आपका होता है वो होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स इंटू आर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स इंटू आर। टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 250। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स आपको निकालना है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है फटाफट देख लो। आर की जो वैल्यू गिवन है आपको वो भी कितनी गिवन है? ए गिवन है। आर की वैल्यू जो भी गिवन है वो भी कितनी गिवन है? ए गिवन है। तो वैल्यू क्या कर दो यहाँ पे, कर दो पुट। तो यहाँ से एफ आर की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, वो निकल के आएगी 250 डिवाइडेड बाई ए। ये आपके पास में एक इक्वेशन होगा। और आपको अगर आर एन निकालना है, आर एन निकालना है, तो आर एन आपका होता है एफ आर अपॉन में म्यू, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एफ आर इक्वल टू होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंस लिख दो म्यू, सिंस करके लिख दो एफ आर इक्वल टू म्यू आर एन होता है इसलिए। और म्यू की वैल्यू आपको गिवन दी है, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.25, फटाफट वैल्यू पुट कर दो, आर एन इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 0.25, और 0.25 से 0.25 को इससे कर दो डिवाइड, 0.25 से 0.25 को क्या कर दो आप? डिवाइड। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1000। तो आपके पास में आर एन कितना आ गया? आर एन आ गया आपके पास में 1000 डिवाइडेड बाई ए।
आपके पास में 1000 कितना आ गया, आपके पास में आरएन कितना आ गया, जो आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया वो आ गया 1000 ए। अब कुछ नहीं करना है, अब ले लो मोमेंट, लेट से इस पॉइंट को ओ मान ले रहे हैं, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज पॉइंट ओ, वो क्या अबाउट ले लो मोमेंट, तो देखो मोमेंट ले लो, तो पहले देख लो ये वाला P का, तो P एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा, तो P इंटू 2.5 A, यही आएगा आपका P इंटू 2.5 A, ये वाली वैल्यू आ रही होगी। फिर देखो FR का, FR का आपका आ रहा होगा क्लॉकवाइज, मतलब प्लस FR इंटू A बाई 4, ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। RN का भी आपका क्लॉकवाइज आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, तो RN ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। अब क्या करो, आपको पता है अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो कि माइनस का पी इंटू 2.5 A प्लस एफ आर इंटू ए बाई 4 प्लस आर एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, पी की वैल्यू आपको पता है माइनस का 2000 इंटू 2.5 A प्लस एफ आर की वैल्यू अभी आप निकाल के आए हैं, कितनी निकाल के आए हैं, 250 डिवाइड बाई ए, तो 250 डिवाइड बाई ए इंटू ए बाई 4 ये आ गया, प्लस आर एन की वैल्यू आप निकाल के आए हैं कितनी, 1000 डिवाइड बाई ए इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। देखो A से A ये कैंसिल हो गया, A से A ये कैंसिल हो गया, और अगर आप इसको, चलो इसको पहले उस तरफ पहुँचा देते दूसरी तरफ, ठीक है, क्योंकि A वाला सिर्फ यही टर्म बचा है, तो 2.52 जा कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो ये आपका आ गया 5000, तो आपके पास बचा 250 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 1000 डिवाइडेड बाई 5000 A, ये बचा आपके पास डिवाइडेड बाई, आपके पास में कितना बचा, ये बचा आपके पास में 5000 ए, ठीक है, ये आपके पास में बचा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता। अब ये 4 से क्या करो, 4 से इसको कट कर दो, 4 से इसको कट कर दो, तो देखो 2 से पहले काटो तो 2 जा 4 हो गया और ये आ गया आपका 125, और अभी इसको 2 से दोबारा काटो तो ये आ जाएगा आपका 62.5 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप देखो कि जो A की जो वैल्यू आई आपकी ये आ जाएगा आपका 5000 A इज इक्वल टू 1062.5, नहीं सॉरी कितनी आएगी आपकी वैल्यू 1062.5, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, A इक्वल टू आपका आ जाएगा 1062.5 डिवाइडेड बाई 5000 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कट करो इसको, देखो सबसे पहले आपको जीरो लगा, ये जीरो हटाओगे तो जीरो पॉइंट आएगा, जीरो पॉइंट। अब 5000 का करोगे मल्टी डिवाइड करोगे टू टाइम जाएगा, टू टाइम में कितना हो गया 10000 हो गया, 10000 हो गया आपका, कितना बचा फिर 625 बचा, और 625 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 212 फिर 5 टाइम जाएगा 5, 0.2125 मीटर ये आएगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो दिया था वो किस में दिया था मीटर, इसको आप कन्वर्ट कर लो मिलीमीटर में, तो आपके पास आ जाएगा 212.5 मिलीमीटर। आपकी A की जो वैल्यू आएगी, आपकी A की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी आपकी A इज इक्वल टू 212.5 मिलीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है आपका वो है 212.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये पूरा डिस्टेंस A कह रहा है, ये वाला डिस्टेंस B कह रहा है, और ये वाला डिस्टेंस आपका जो कह रहा है
वो सी कह रहा है, पर याद रखो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कह रहा है सी इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी ब्रेक बनेगी, आप अभी देखो। अ शॉर्ट शू एक्सटर्नल ड्रम ब्रेक इज शोन इन द फिगर, द डायमीटर ऑफ द ब्रेक ड्रम इज 500 मिलीमीटर। मतलब आपका ये जो डायमीटर दिया है ये गिवन है आपको कितना, 500 मिलीमीटर ये कह रहा है। फिर कह रहा है द डायमेंशन ए इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड बी इक्वल टू 500 मिलीमीटर और सी इक्वल टू 200 मिलीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड द शू इज म्यू इक्वल टू 0.35। फिर एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 100 न्यूटन। In the figure, the drum is rotating anti-clockwise. The braking torque on the drum newton into meter round off to 2 decimal places. So सबसे पहले देखो, अगर आपका ये anti-clockwise में घूम रहा है तो ये friction force लगेगा आपका यहाँ पे FR rightward direction, और shoe पे फिर कैसे लगेगा आपका left hand direction में लगेगा FR। Free body diagram आपको यहीं से मिलेगा, फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहीं से मिल गया, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, अलग अलग उसने पहले से दिखा रखे थे, अलग अलग दिखा रखे। अब कुछ नहीं करना, इसी डायग्राम को लेके मूवमेंट ले लो इसी पॉइंट से। तो टेक इस पॉइंट को, देखो क्या पॉइंट नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट को ओ नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो फटाफट, चलो मैं एक बार डायग्राम का दोबारा से बना के दिखा देता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना रहे किसी को। ये देखो, ये आपका एफ आर यहाँ से लग रहा है, ये शू हो गया आपका, ये यहाँ पे हिंज पॉइंट आ रहा है, और यहाँ से लेके जाओ ऐसे करके, और ये हिंज है इस पॉइंट के अबाउट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इनने दे रखा है आपको सी। यहाँ से यहाँ तक पे आपका क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर एन, जिसका डिस्टेंस इनने दे रखा है बी, और ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है आपका ए, जिससे आपका फोर्स लग रहा है पी एफ और लेट से क्या दिया, पी दिया एफ दिया, एफ दिया हुआ है 100 न्यूटन एफ। तो यहाँ पे सिंपल इस पॉइंट को मानो ओ, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट ले लो मोमेंट, तो ले लो मोमेंट अबाउट ओके, ओ के अबाउट हमने क्या लिया मोमेंट लिया, ओके अबाउट हमने क्या ले लिया मूवमेंट ले लिया। तो देखो फटाफट, सबसे पहले देखो इसका अगर ओके अबाउट देखूंगा मैं तो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, मतलब माइनस का एफ इंटू ए। फिर आर एन का देखो, तो आर एन का भी कैसा आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, क्लॉकवाइज आ रहा होगा। आर एन का भी देखो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, क्लॉकवाइज आ रहा होगा, क्लॉकवाइज आएगा इस पॉइंट के अबाउट में। ये इजी है, यही वाला इजी, क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब प्लस का आर एन इंटू का बी। और फिर एफ आर का देखो, एफ आर का एंटी क्लॉकवाइज आएगा, माइनस का एफ आर इंटू सी, ये आ गया। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली वैल्यू हो गई जीरो, तो मतलब आप इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकते हो कि माइनस का एफ इंटू ए प्लस आर एन इंटू बी माइनस एफ आर इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, एफ की वैल्यू गिवन है आपको 100, ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 1000 मिलीमीटर में, 1000 प्लस आर एन की वैल्यू निकालनी है आपको, बी आपको गिवन है कितना 500 माइनस एफ आर की वैल्यू आप लिख सकते हो क्या म्यू आर एन, एफ आर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो म्यू आर एन, और सी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी गिवन है 200, ठीक है मिलीमीटर में ही गिवन है तो सारी वैल्यू मिलीमीटर में रखी है, तो ये भी लिख दो 200 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या करो, इसको उस साइड पहुंचा दो, तो बचा आपके पास में आर एन 500 आर एन माइनस म्यू आर एन इंटू 200 इज इक्वल टू 150, 1 लाख आ जाए, 1 लाख आ। सारी वैल्यूज को यहाँ पे क्या करो दोबारा से लिखो, तो देखो ये आपका आर एन ले लिया मैंने कॉमन, तो आपके पास कितना बचा 500
माइनस म्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी, 0.35 गिवन है यहाँ पे, इंटू 200 इज इक्वल टू 5, ये आ गया। 500 में से 0.35 का मल्टीप्लाई करेगा आप 200 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.72 के मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7 आ जाएगा, 0.7 पे अगर 20 लगाओगे तो 70 आएगा आपका। तो आर एन 500 माइनस का ऑफ 70 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आर एन की वैल्यू आपकी आ रही है जो, वो आ रही है 430 इज इक्वल टू 1 लेम। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको, ये वाली बात समझ में आ रही है सबको। यहाँ से आप आर एन की वैल्यू निकालो, यहाँ से आप आर एन की वैल्यू निकालो, आर एन की वैल्यू निकालो तो वो आएगी आपकी 50 अपॉन 43, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 43 2 86 बचा कितना, 14 जीरो फिर 3, तो आपका आएगा 5.8 न्यूटन, ये आपका आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 232.558 न्यूटन। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 232.558 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फोर्स जो आपके नॉर्मल रिएक्शन आया। लेकिन ये पूछ रहा आपसे ब्रेकिंग टॉर्क, अब ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है तो सिंपल सी वैल्यू आप अभी निकाल लो फटाफट, ब्रेकिंग टॉर्क निकाल लो, ब्रेकिंग टॉर्क निकाल लो यहाँ से, ब्रेकिंग टॉर्क। और ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है आपका, ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है आपका, टी इक्वल टू एफ आर इंटू का आर, ये होता है। एफ आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू आर एन इंटू आर, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.35, आर एन की वैल्यू अभी आप निकाल के लिए क्या है, 233.558, और आर की वैल्यू 500 मिलीमीटर डायमीटर गिवन है, तो इसका मतलब हो गया 0.250, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। सारी वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 20.35 न्यूटन इंटू मीटर। मतलब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा 20.35 न्यूटन इंटू मीटर। इतना आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक लगाने के लिए, इतना ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होगा जो आप एफ फोर्स लगा रहे हो उससे, शू में, शू जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, ब्रेकिंग टॉर्क शू और उसके फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होगा, ब्लॉक के और फ्रिक्शन शू के वजह से, वो कितना होगा, 20.35 न्यूटन इंटू मीटर। सो योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 इज द 20.35, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर योर सेल्फ, आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन, सो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द लीड गेट MEXCPI चैनल एंड लाइक इट। सो थैंक यू वेरी